भाई यार हमारे विलेज में एक भी विलेजर्स क्यों नहीं है भाई? पता नहीं ये कहाँ चले गया। देख मैं चेक कर रहा हूँ, देख यहाँ पे कोई है ही नहीं यार। हाँ यार, पूरे विलेज के विलेजर पता नहीं कहाँ चले गए। चल भाई हम लोग अपने घर की तरफ चलते हैं। चल चलते हैं फटाफट से। लेकिन रुको यार, ये हमारे घर को ये क्या हो गया भाई? ये बाहर इतने सारे स्केल्टन्स क्यों पड़े हुए हैं? और भाई हमारा घर भी किसी ने तोड़ दिया है। ये किसने करा है भाई? बाहर आओ भाई, पता नहीं, देख हमारा पूरा का पूरा हाउस टूटा फूटा पड़ा हुआ है। हाँ यार, लगता है कोई इस वर्ल्ड में घुस आया है क्या भाई, जो बहुत ही खतरनाक है। वेट, ये कौन है? ये तो कैटनैप है, कैटनैप। ओ माय गॉड, अबे भाई ये तो स्केरी कैटनैप है, हमारे सामने खड़ी है। अबे भाई मैंने TNT लगा दिया है, देखते हैं मरती है कि नहीं। ओके, TNT फूट चुका है। अबे क्या हो गया भाई, बच के रह तू, बच के रह भाई, तू बच के रह। अबे ये तो नहीं मर रही है भाई, पीछे आ रही है वो हमारे। हाँ ब्रो, ये हमारे पीछे पड़ चुकी है, अभी हम लोगों को भागना पड़ेगा। ओ शिट यार, भाग यहाँ से। अबे जल्दी भाग, फटाफट, टाइम नहीं है, वो हमें जान से मार देगी। अबे वो बहुत ही खतरनाक, देख पीछे आ रही है मेरे। लिटरली ये मेरे को पहले भी मिल चुकी है एक बार यार, और अभी ये दोबारा हमें हमारे विलेज में आ गई। अबे ओए ओए, मेरे पास में आ रही है भाई। यार ये एक कैट की तरह है, और लिटरली ये बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है मेरे को, इससे मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। अबे भाग, जल्दी घर में चल। आ जा ब्रो घर में, आ जा, डोर बंद कर जल्दी से। ओके, मैंने डोर बंद कर दिया है, लेकिन अब हमें इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? कुछ पता है क्या इसके बारे में? भाई मुझे कैसे पता, हम लोग इस घर में एकदम अभी के लिए सेफ हैं, और हम लोगों को अभी बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई, वरना इसने डोर तोड़ दिया फिर तो ये हमें मार देगी। हाँ यार, वो बाहर से भी देख रही है हमको, लिटरली इतना बड़ा कांच लगा यहाँ पे तो वो। ओ, गेट तोड़ रही है के? हाँ ब्रो, ये तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन डोर टूट नहीं रहा है भाई। टूट गया तो हमारा क्या होगा, उससे पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ यार, क्या सोचें, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे यार। एक तो ये बहुत ही डरावनी है भाई। ओके गाइस, यहाँ पे सुबह हो चुकी है, और यार क्या पता वो लोग अभी भी यहाँ पे हैं। वो लोग कौन भाई? कैटनैप देख यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि सुबह हो चुकी है और कैटनैप सिर्फ रात में आती है, इसका मतलब वो चली गई। भाई पक्का पता है कि वो यहाँ पे नहीं है, मतलब क्या पता हम लोग घर से बाहर निकले और वो हमको पकड़ ले, क्योंकि मेरे को उससे बहुत डर लगने लगा है भाई। यार इस विलेज के, मतलब इस हमारे विलेज में कोई विलेजर तो बचा नहीं है, तो यार मेरे को बाहर निकलते हुए बहुत डर लग रहा है। लगता है यार कहीं वो मेरे को रात में, सॉरी अभी, पकड़ ना ले कहीं, लेकिन हमें बाहर निकल के देखना तो पड़ेगा ना। हाँ ब्रो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कैटनैप भी नहीं है, तो इसका मतलब वो अपने घर जा चुकी है, तो हम लोग एकदम आजाद हो चुके हैं बाहर। हाँ यार तू सही कह, लेकिन रुको, हमें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। उसके लिए पहले हमें पे लगाने पड़ेंगे CCTV कैमरास, ताकि हम लोग उसके ऊपर नजर रख पाए यार। मतलब वो पता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, हमें कुछ पता ही नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ CCTV कैमरास, ताकि मेरे को सब बातों को पता लग जाए। एंड उसके ऊपर हमें एक एक कड़ी कड़ी की नजर रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग उसको पकड़ पाएंगे और उसको मार पाएंगे। तो तू मेरे साथ है ना? यस ब्रो। भाई रात हो चुकी है, लेकिन वो कैट अभी तक नहीं आई है। यस, रात हो चुकी है, लेकिन पता नहीं ये कैट क्यों नहीं आई अभी तक। लगता है भाई आती ही होगी, क्योंकि रात में उसका समय होता है, यानी कि टाइम होता है आने का, तो वो क्यों नहीं आ रही है ब्रो? लिटरली कुछ गड़बड़ है यार। देखता हूँ मैं CCTV कैमरे में देखता हूँ भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। देख कैमरे में देख रहा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। भाई वो अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब हमारे वाले हाउस में तो वो अभी तक आई नहीं है, सेकेंड हाउस में, तो वो और कहाँ हो सकती है। वेट, ये देख, ये तो अपने घर से बाहर निकल रही है, मतलब इसका एक सीक्रेट रूम है यहाँ पे, ये उससे बाहर निकली अभी, और कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है एकदम भाई, लग रही है बिच्छू वगैरह हो कोई। हाँ ब्रो, इसने तो हमारे सेकंड हाउस में अपना सीक्रेट बेसमेंट बना के रखा हुआ है भाई, ये इसने कब करा, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस निकली। हाँ यार, डेंजर के साथ अब ये घर से बाहर निकल चुकी है, और अब ये पक्का हमारे पास ही आ रही, पक्का बोल रहा हूँ। हाँ ब्रो, अभी दूसरा वाला CCTV कैमरा चेक कर, और ये देख भाई हमारे घर के बाहर आ चुकी है। भाई अभी हमारे घर के बाहर नहीं आई है, ये शायद ब्लेजर के घर के बाहर है। हाँ यार, ये किसी विलेजर के घर के बाहर खड़ी हुई है, ये हमारा घर नहीं है मुझे लगता है, और ये नहीं है हमारा घर, नहीं है भाई, ये किसी विलेजर का घर है, इसके बाहर ये खड़ी हुई है। पक्का ये उसको मारने के लिए आई होगी, या फिर हाँ उसको ये खाने के लिए आई होगी ना, इसको भूख लगी होगी बहुत है। ओ छुप गई है, वो देख छुप गई है,
पक्का कोई आने वाला है। ओके कोई, ओ ये विलेजर बाहर निकला एकदम से एंड वो वापस छुपी हुई है। विलेजर बच मेरे ब्रो, पीछे देख विलेजर, पीछे देख भाई, वो तेरे खा लेगी। नहीं नहीं बच्चा, शिट यार भाई, उसने कितनी खतरनाक तरीके से ब्लेजर को खा लिया। अबे यार वो इधर ही आने वाली होगी, मुझे तो पूरा पक्का पता है। क्या बात कर रहा है, वेट, वो देख विंडो पे, तूने कहा वो हो गया, वो हमारे ही गेट के बाहर खड़ी हुई है लिटरली एकदम अपने भाई मुंह को खोलकर। हाँ भाई ये देख, हमारे घर के बाहर ही खड़ी हुई है। अब तू भाई बाहर वाला सीसीटीवी चेक करके क्या करेगा? गाइस अब मैं क्या करूं मेरे को बताओ यार, मैं बहुत ही परेशान हूँ। और ये छुप गई है यहाँ पे, लेकिन ये छुपी क्यों है? हमारे घर से कोई बाहर निकलने वाला है क्या? यार गाइस मैं क्या करूं, अभी हमारे बाहर ही खड़ी हुई है ब्रो, कुछ सोच यार, वरना ये पूरी रात हमको सोने नहीं देगी और हमको खा जाएगी वो अलग। भाई इसका स्कैरी फेस देख देख के तो मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अबे यार इसका भाई इतना खतरनाक सा मुंह देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। बे सेम सेम ब्रो, मेरे को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं। लेकिन रुको, मेरे पास एक लीवर है भाई, भाई फटाफट तू यहाँ पे आ, हम लोग को अपनी बेसमेंट के अंदर भागना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास चांस ही नहीं है यार। हाँ भाई हम लोग अपने बेसमेंट के अंदर आ चुके हैं, और भाई मैं यहाँ से तो कभी बाहर जाने ही नहीं वाला, क्योंकि वो अब हमेशा हमारे पीछे लगी रहेगी और हम उसको कभी तो मार ही नहीं पाएंगे। हाँ यार तू सही कह रहा है। सो गाइस हम लोगों ने पूरा एक दिन इस सीक्रेट बेसमेंट के अंदर बिता लिया है, और अब टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर निकलने का। मुझे लगता है कि अब तक तो वो जो कैट है वो यहाँ से चली गई होगी, और वैसे भी शायद अभी दिन हो रहा है, तो वो दिन में तो होती नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं दिन हो रहा है फिर रात हो रही है। हाँ गाइस दिन हो रहा है, तो दिन में वो नहीं होती है। सो ब्रो फटाफट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो वर्ल्ड में है या फिर नहीं, चेक करते हैं, क्योंकि चेक करने का टाइम आ चुका है और मुझे लगता नहीं है वो यहाँ पे कहीं होगी, क्योंकि ब्रो काफी सुनसान सा है यार। हाँ भाई, भाई वो गई क्या? तूने सब कुछ देख लिया क्या? हाँ भाई देख यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब कैटनैप जा चुकी है अपने घर की तरफ। सो अभी हमारा सब कुछ यहाँ पर अपना है, तो सबसे पहले हम लोग इस अपने वाले सेकंड हाउस में देखने वाले हैं कि यहाँ पर कौन सा सीक्रेट बेसमेंट बना के रखा है उसने। हाँ यार अभी, हाँ ये तो वही घर है ना जो कि जिससे वो निकलती है रात में बाहर। हाँ भाई ये वही है, और सामने वो तो डोर देख रहा है ना उसके अंदर। अबे भाई अभी तो उसके अंदर से निकल के बाहर आ रही है, अभी तो यहीं पे है अभी कभी। और वो देख बंद कर लिया उसने डोर, भाई उसने डोर को बंद कर लिया, लगता है वो डर गई हमको देख के। भाई मैं समझ चुका हूँ ये दिन रात इसी वाले हाउस के अंदर रहती है, अबे ये तो हमारे घर के अंदर ही रहती है। भाई अब क्या करेंगे हम लोग, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब हमें पता लग चुका है कि यहाँ पर रहती है। मैं समझ गया यार, ये इस घर के अंदर रहती है और रात में यहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन रुको, हम इसके लिए एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप बना सकते हैं इसको मारने के लिए, तो तू मेरा साथ दे और हम लोग बहुत ही खतरनाक ट्रैप बनाएंगे, इसको पकड़ लेंगे, ठीक है ब्रो? हाँ ब्रो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, पहले तो इसको बंद कर दे ताकि ट्रैप के बीच में कोई उलझन ना आए। ओके चलो अब मैं बनाने वाला हूँ भाई TNT से, तू मेरी मदद करना। ओके ब्रो, तो सो गाइस हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं ये, इसको बोलते हैं आई थिंक कुछ तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ब्रो? भाई मुझे भी नहीं पता यार, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, लेकिन अभी भाई ट्रैप पे ध्यान दे भाई, कुछ बातें मत कर ज्यादा। सो गाइस मैंने इसको यहाँ पे ऐसे बांध दिया है, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं यहाँ पे TNT, ताकि भाई हम लोग उसको ब्लास्ट करने वाले हैं ना, और वो बाहर निकल नहीं पाएगी। सो गाइस ये हमेशा के लिए इसके अंदर बंद हो जाएगी और ये कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी, आप लोग देख लेना। एंड स्कैट्स का मतलब इसने जितने विलेजर्स को मारा है ना, उन सब का बदला मैं इससे लेकर रहूँगा आज के आज। सो हम लोगों ने TNT लगा दिए हैं, सो भाई बाहर निकला वरना तू इसके अंदर फट जाएगा, फिर मुझसे मत बोलना कि मैंने तेरे को फाड़ दिया। अबे ऐसे नहीं फटेंगे भाई, अभी हम लोगों को बाहर भी ट्रैप बनाना बाकी है भाई, मुझे तो नहीं लगता उसको इतने TNT से कुछ होने वाला है, क्योंकि तुझे पिछली बार का याद है जब मैंने TNT फोड़ा था तब इसे कुछ भी नहीं हुआ था, तो अभी हम लोगों को 3-4 ट्रैप बना के रख लेना चाहिए। हाँ यार तो सही कह रहा है, वैसे रुक एक और ट्रैप बनाता हूँ, रुक लावा बकेट लेते हैं, एंड यहाँ पे लावा मैंने डाल दिया है ऊपर पूरा घर को, ये देख भाई मैंने पूरे घर के ऊपर लावा डाल दिया है, और वो लावा अंदर करेगा और उससे TNT ऑटोमेटिक फट जाएंगे, तो भाई ये ट्रैप पता नहीं कैसे सक्सेसफुल होने वाला। TNT फट चुका है भाई, पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया लिटरली। व्हाट इज दिस यार,
ओ भाई, यहाँ पर भाई घर के साथ पूरा वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो मरी होगी कि नहीं भाई? मुझे लगता है कि वो मर गई है। अरे वाह यार, मजा आ गया भाई। वो मर चुकी है, मेरे को लगा ही था कि वो बहुत ही कमजोर है और हम लोग उसको एकदम आसानी से मार सकते हैं। सो हम लोगों ने उसको मार दिया यार, कितना आसान था ना ये। हाँ ब्रो, बस TNT लगा के इसको मारना था और मार दिया चुटकियों में। भाई अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस अपने ब्लेजर को हम लोग वापस से ले आएंगे। बस भाई अब हम लोग अपने घर में आराम से चैन से रह सकते हैं। हाँ भाई चलो निकलते हैं भाई, कार में बैठ फटाफटा भाई, कार में बैठा के जल्दी आ। हाँ ब्रो आता हूँ, रुक जा थोड़ा वेट कर। चल चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, यहाँ से दूर निकलते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू हाउस पे। वाओ यार क्या हाउस है, मजा आ गया इसको देखकर भाई। चलो रोकते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को और उतरते हैं भाई, जल्दी निकलते हैं यहाँ से भाई। काफी मजेदार हाउस तू। अबे भाई तू मेरी कार के अंदर बैठ रही था क्या? अबे भाई तू भूल गया क्या, मैं आगे से आ रहा था, अभी मैं दूसरी अपनी कार से आया हूँ। चल भाई अभी हम लोग जाके देखने वाले हैं अपने न्यू हाउस को, ये कैसा है और यहाँ का माहौल भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो भाई चल चलते हैं इसके अंदर, कि ये अंदर से देखने में अच्छा लग रहा है। भाई बाहर से अच्छा लग रहा है तो अंदर से उससे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो चलो देखते हैं भाई। ओ लिटरली भाई मैंने ऐसा घर कभी सपने में भी नहीं देखा है। लिटरली इतनी बढ़िया किचन वगैरह भाई सब कुछ है यहाँ तो। लेकिन यार टीवी नहीं है क्या यहाँ पे? अबे टीवी ऊपर होगी ना, ये देख भाई ये बाहर ही है भाई। ये इतना ज्यादा लग्जरी हाउस है यार, मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। अबे भाई ये देख मेरा फेवरेट स्विमिंग पूल भी है इधर। ओ यार लिटरली सच में यार बहुत ही बढ़िया हाउस मिल गया हमें यार कम पैसों में, मतलब $2 million में का हाउस है। कितने का हाउस है भाई ये? अबे हाँ भाई ये $2 million का ही है भाई। $2 million कम होते हैं क्या भाई? बहुत ज्यादा होते हैं बहुत। और भाई ये रूम भी ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे भी। हाँ यार ये रूम काफी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को यार, ये तेरा रूम भी भाई। वैसे रूम तो यहाँ पे एक ही है, वैसे नीचे का व्यू देख कितना मस्त आ रहा भाई, देख जरा। अभी ये देख यहाँ पे कंप्यूटर भी लगे हुए हैं यार। चलो चलो भाई पिज्जा खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाया भी नहीं है काफी देर से और रात भी हो चुकी है तो रात में तो भूख लगती है भाई। चलो खाना खाते हैं और कुकी खाते हैं। एंड तूने भी खा लिया क्या खाना? भाई तूने खा लिया? मैंने तो भाई थोड़ा बहुत खा लिया, अब तू भी खा ले, मैं ये पिज्जा खा लेता हूँ फिर भाई चलते हैं सोने, क्योंकि भाई रात के 11 बज चुके हैं। भाई माइनक्राफ्ट में तो कंप्यूटर में खेल के आ रहा हूँ। ओ माय गॉड ये देख तीन तीन कैट आ गई यहाँ तो, तीन तीन कैट यार, ये मेरी कार के पास ही खड़ी हुई है। ओ माय गॉड अब क्या करें हम लोग तो बहुत ही गंदा वाला फंस चुके हैं। अब भाई कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा, अब क्या करें भाई, यहाँ पे एक नहीं तीन कैट है। मम्मी मेरे को बचाओ प्लीज, ये बहुत ही खतरनाक मूवमेंट है मेरे लिए भाई, क्या करूँ यार? अबे मैं क्या करूँ भाई, मुझे लगता है कि हमारी कार का पीछा करते करते यहाँ पर आ चुकी हैं। अबे यार रात का समय है और तीन तीन कैट हमारे घर के बाहर खड़ी हैं। भाई हमारा क्या होने वाला है भाई, अब तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ कौन है भाई बाहर? भाई यार बहुत नींद आ रही, मैं सो गया था गाइस। कौन है भाई? अबे अबे ये तो हमारे घर में घुसा ही कैट, अब क्या करें? मम्मी मेरे को बचाओ, मम्मी मेरे को बचाओ प्लीज, मेरे को बचाओ मम्मी प्लीज। नो 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 अबे यार, अबे तू ज्यादा मम्मी में मत कर, इसको मार तू। ओ शिट यार अबे दो दो कैट है और ये हमारा शीशा तोड़ के घुसा ही है। भाई मार इनको, हम लोग मार देंगे। वे मार भाई। ओ मैंने मार दिया क्या भाई? मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। और ये देख हमारी सारी विंडो टूट चुकी हैं, ठीक कर इनको भाई, वरना इससे पहले कि कोई और हमारे घर में घुसा है। अबे यार हाँ तू ठीक कह रहा है, हम लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग आए कैसे इतनी ऊपर, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। और हम लोग अब ऐसा क्या करें कि ये लोग दोबारा ना आ पाए? यार अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा इनको पकड़ने के लिए, लेकिन हम लोग इनको पकड़ भी तो नहीं सकते भाई,
और ये देख, ये कैमरे में भी नीचे एक और है जो कि हमारे घर में घुस रही है। अबे यार अभी एक और आ रही है। अबे भाई ये तो डायरेक्ट ऊपर ही आने का सोच रही है। भाई अब क्या करेंगे हम लोग? मुझे नहीं लगता गाइस ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये तो अभी हमें मार ही देगी। भाई अब तू बता हम लोग क्या करें? भाई मुझे लगता है ना कि ये इसको बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वैसे क्या दिन हो चुका है क्या? नहीं रात ही हो रही है वैसे। और अब क्या करें, ऊपर आ रही है वो, कुछ करना पड़ेगा। रुक भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं फटाफट से, यहाँ पे गेट बंद करते हैं। ओके तो उसको जाने दो ऊपर, देखते हैं भाई। हाँ वो यहीं से आ रही होगी। अबे ये देख भाई वो आ चुकी है और इसने हमें देखा भी नहीं, ये अंदर चेक कर रही है। मैं तो भाई आराम से छुपा हुआ हूँ। भाई तू भी छुप जा, वो तुझे देख लेगी वरना। अरे भाई छुपा हुआ हूँ भाई, चिंता मत कर भाई। लेकिन यार ये मेरे सामने खड़ी है तो मेरा भाई एकदम दिल धक धक कर रहा है। सो मेरे को शांत रह, शांत रह, शांत रह भाई, ज्यादा बात नहीं करनी है, वो हमारी बात ना सुन ले गई, ठीक है? ओके ओके भाई वो रूम के अंदर जा चुकी है। अब भाई हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो भाग भाई जल्दी से, जल्दी निकल फटाफट, कुछ कर भाई। यार इससे पहले कि वो हमारी बातें सुन ले हमें कुछ और ही आइडिया लगाना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने। ओ यहाँ पे एक लीवर है, हमको जाना पड़ेगा अपनी बेसमेंट के अंदर। ओके तो भाई लीवर को दबाते हैं और चलते हैं अपनी बेसमेंट के अंदर, एंड वहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए सेफ रहेंगे। मतलब रात तक हमें तो वहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो चलो निकलते हैं फटाफट फिर पीछे। जल्दी 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 यार वो आ ना जाए, वो पीछे से ना आ जाए भाई, जल्दी से चलना पड़ेगा। चल भाई हम लोग न्यू घर के न्यू बेसमेंट के अंदर आ चुके हैं और उसको बिल्कुल ही पता नहीं लगने वाला कि हमारी बेसमेंट है। चल भाई पहले डोर को ब्लॉक कर दे, फिर हम लोग सोने वाले हैं। हाँ भाई पहले मैं डोर पे लकड़ी लगा दूँ ताकि वो बिल्कुल भी कोई अंदर ना पाए। ओके मैंने ये लगा दी है, सो अब शायद कोई भी अंदर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, एंड हम लोग शायद यहाँ पे सेफ हैं। लेकिन हम लोग कब तक यहाँ पे सेफ हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो प्लेस है वो काफ़ी डेंजरस है, एंड पता नहीं वो कैटनैप कभी भी यहाँ पे आ सकती है, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ भाई कुछ भी नहीं पता है कैटनैप का, तो भाई वो हमारी खुशबू सूंघ के भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ये लीवर है, इसको दबाने से क्या होगा? भाई दबा के देखते हैं। ओ वेट, अबे यहाँ पर तो एक सीक्रेट डोर है जो कि ओपन हो चुका है। हाँ यार ये सीक्रेट डोर मैंने कभी नहीं देखा, शायद ये बेसमेंट तो हमारी है लेकिन ये मैंने बनाया कब था यार? अभी ये क्या है? वाओ इतना बढ़िया आर्मर, लिटरली इसको पहनकर तो हम लोग किसी को भी मार सकते हैं। हाँ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, ये न्यू हाउस में इतना सब कुछ मिल रहा है हम लोगों को, हमको पता भी नहीं था। बे भाई एक तो एकदम सुपरमैन वाला आर्मर लग रहा है भाई तेरे ऊपर, तो इसका मतलब अभी हम लोग फाइट करने के लिए रेडी हैं, मतलब वो हमारे सामने आएगी हम उसको मार सकते हैं क्या? बिल्कुल यार बिल्कुल, हम लोग उसको एकदम इजीली मार सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा वाला आर्मर है। भाई अब टाइम आ चुका है उस कैटनैप को मारने का, सो भाई अभी हम लोग बाहर चलते हैं उस कैटनैप को ढूंढने, फिर उसको मारेंगे। चल भाई चलते हैं। चल भाई लेकिन उससे पहले मेरे को लगता है का भाई, क्योंकि मेरे को डर लगता है बाहर जाने में, तो क्या हम लोग श्योर हैं बाहर जाने के लिए? अबे हाँ भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गन्स हैं एंड बहुत सारे आर्मर्स हैं। भाई मुझे तो 1% डर नहीं लग रहा है, मैं तो सीधे जाके उसको मारने वाला हूँ अब। चल भाई तू कह रहा था तो तेरे कहने पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देख एक ये क्या है, लगता है ये कुछ तो है भाई। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं भाई क्या निकलता है। आई थिंक ये बेसमेंट का रास्ता है। ओ माय गॉड यहाँ पे एक रास्ता है बे, मैं गिर गया, फटाफट तू भी है मेरे पीछे। ब्रो हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, कहीं ये कैटनैप का अड्डा तो नहीं है भाई, कहीं उसका घर तो नहीं है, तो हम लोगों को एकदम सावधान रह के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ यार ये, हाँ ये हो भी सकता है, क्या पता ये कैटनैप का अड्डा हो, लेकिन हमने उसका एक घर तो वहाँ पे बर्बाद कर दिया था डिस्ट्रॉय करके, लेकिन ये शायद उसका दूसरा अड्डा होगा। लेकिन चलो वो तो हमें आगे जाके पता लगेगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। ओ यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे एक और डोर है लिटरली सीक्रेट वाला। हाँ भाई यहाँ पे डोर है, चल भाई उसको खोल, रुक जा पहले मैं आ जाऊँ फिर तू उस डोर को खोलना। चल ब्रो मैं आ चुका हूँ, अब तू डोर खोल दे क्योंकि अभी हम लोग उसको मारने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके भाई मैं इसका डोर खोलता हूँ, वेट कर। ओके मैंने ये डोर ओके ओपन हो चुका है फाइनली, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो। ओबे कुछ भी नहीं है, चमका ओ रात हो गई भाई, अंधेरा कैसे हो गया यहाँ पे? ओबे
भाई कुछ दिख नहीं रहा है। अबे भाई, अबे इतनी बड़ी कैटनैप, ओ माय गॉड भाई, यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कैटनैप मेरे सामने आएगी। लेकिन रुको, मैं इसको अपनी खतरनाक सी लेजर गन से मारने का ट्राई करता हूँ। बबी यार, ये बहुत ही बड़ी है, लगता है मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। वेट, ओ ये मैंने मार दिया इसको फाइनली। भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, ओ ये कैसे किया हम लोगों ने। भाई तूने अपने लेजर गन से उसको मार दिया। अबे यार, अब हम लोग कभी परेशान नहीं होंगे भाई, मजा आ गया। ये मजा आ गया ब्रो, रियली भाई मैं बहुत ही खुश हूँ आज। गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।